आज के वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं हम क्लास ट्वेल्थ का थर्ड चैप्टर मैट्रिसेस है। तो मैट्रिसेस कितने नंबर का आता है? ये 4 नंबर का आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर मैट्रिसेस पढ़ते हो तो आपका डिटर्मिनेंट में बहुत हेल्पफुल मिलेगा और बहुत ही फायदा मिलने वाला डिटर्मिनेंट में। मैट्रिक्स जितना अच्छा करोगे उतना ही आपका डिटर्मिनेंट अच्छा रहेगा। तो चलिए आज के हम बिल्कुल जीरो से हीरो की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है और क्या क्या कैसे सीखते हैं। तो चलो हम कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। तो देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि मैट्रिक्स में दो वर्ड यूज करा जाता है, एक मैट्रिक्स, ये क्या होता है मैट्रिक्स, और एक मैट्रिसेस लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? मैट्रिसेस। ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ और एक मैट्रिसेस लिखा हुआ, इन दोनों वर्ड का मतलब क्या है? क्या दोनों अलग अलग चैप्टर के नाम है? बिल्कुल नहीं, वो दोनों सेम चैप्टर के नाम है, लेकिन जो है एक को सिंगुलर के लिए यूज करा जाता है, ये सिंगुलर के लिए यूज करा जाता है, एक के प्लूरल के लिए यूज करा जाता है। ये दोनों में डिफरेंस यही है कि जब एक मैट्रिक्स के बारे में बात करा जाएगा तो मैट्रिक्स वर्ड यूज करा जाएगा, जब एक से ज्यादा मैट्रिक्स के बारे में बात करा जाएगा तब क्या करा जाएगा, उसे मैट्रिसेस बोला जाएगा। तो ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखते हैं हमने कि मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, तो मैट्रिक्स को अगर देखना है, मैट्रिक्स क्या है, तो चलिए हम इसके बारे में एक लाइन लिखते हैं और उससे समझ जाओगे आप। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर एरे है। क्या है? रेक्टेंगुलर एरे। एरे नंबर और फंक्शन, ठीक है, नंबर्स और फंक्शन। क्या लिखा मैंने कि मैट्रिक्स क्या होता है? अगर इसको जानना है तो ये क्या लिखा मैंने कि रेक्टेंगुलर एरे है नंबर्स और फंक्शन का। किसका? नंबर और फंक्शन का। अब ये समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, मैंने 1, 2, 3 ऐसे 4, 5, 6 एक बनाया, तो ये नंबर से बना हुआ एक दिख रहा है कि एरे का मतलब होता है कि अरेंजमेंट। क्या होता है? अरेंजमेंट, कैसे अरेंज करा गया है, और नंबर और किसको? फंक्शन को, या इसको हमने फंक्शन के फॉर्म में लिख दिया ऐसे कि e की पावर एक्स साइन एक्स साइन एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स प्लस 5 ऐसे लेके लिख दिया हमने। तो इसमें क्या है? केवल नंबर है, इसमें नंबर और फंक्शन दोनों है। तो ये दोनों के दोनों क्या है? मैट्रिक्स है। ठीक है, ये मैट्रिक्स के लिखने का, देखो मैट्रिक्स को जो ब्रैकेट यूज करा जाता है, ये तो आपको इस तरह का ब्रैकेट यूज करा जाता है, या आपका ऐसे ब्रैकेट यूज करा जाएगा, या तो आपका ब्रैकेट जो होगा ये डबल ऐसे होगा। तो इसके ऐसे किसी तीनों में से कोई दिखे तो बात क्या करा जा रहा है? मैट्रिक्स का बात करा जा रहा है। किसका करा जा रहा है? मैट्रिक्स का बात करा जा रहा है। अब ये तो हमें समझ में आ गया, जो मैट्रिक्स होता है वो नंबर और फंक्शन को मिला के एक अरेंजमेंट होता है। तो इस अरेंजमेंट के बारे में जानते हैं कि जो ऐसी लाइन होती है, मतलब ये जो ऐसे लिखा हुआ है कि हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह दिख रहा है और जो वर्टिकल लाइन की तरह दिख रहा है, इनका कुछ नाम वगैरह होता है? हाँ बिल्कुल, नाम होता है। तो चलो देखते हैं हम इसके नाम के बारे में। अब देखो, जो मैट्रिक्स मैंने लिखा था 1, 2, 3 और 4, 5, 6, इसमें जो देखा जाए तो इसको हम बोलते हैं कि रोज। क्या बोलते हैं? रोज। अगर ये पहली हॉरिजॉन्टल लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने क्या बोलते हैं? रोज बोलते हैं। तो दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन को भी क्या बोलेंगे? रोज ही बोलेंगे। तो अब ये क्या हो गया? ये पहला रो है, ये दूसरा रो हो जाएगा। अगर वर्टिकल लाइन देखा जाए, जो वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन जो बनाते हैं उसको हम कॉलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलन बोलते हैं। तो ये पहला कॉलन है, ये दूसरा कॉलन है, ये तीसरा कॉलन है, इन सबको हमने क्या बोलेंगे? कॉलन्स हो जाएगा। ये रोज था, ये कॉलन्स था। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन को रोज बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को कॉलन बोलते हैं। अब इनसे भी कुछ मिला के बनता है। और अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है कि ए बी सी डी ई एफ, एक मैट्रिक्स बना हुआ, ठीक है, और मैं पूछूं कि यहां पर कुछ भी लिखा जाता है, जो यहां पर लिखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं?
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को क्या करते हैं कि जितने रोज होते हैं, जितने रो होते हैं और जितने कॉलम्स होते हैं, इनको हमने क्या लिखते हैं, पहले रो को लिखते हैं, पहले यहां जो लिखते हैं वो रो लिखा जाता है, फिर इसके बाद यहां क्या होता है कॉलम्स होते हैं, या इसी को बोल सकते हैं यहां से एक फॉर्मूला बना दें कि नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर लेते हो तो क्या मिल जाता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मिल जाता है। क्या मिल जाता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मिलता है। तो इस वाले मैट्रिक्स में देखो क्या मिलने वाला है, कितने रो हैं, ये दो रोज है, ये पहला हो गया और ये वाला क्या हो गया, एक दो तीन, एक कॉलन हो गए, मतलब तीन कॉलन, मतलब 2×3 ऑर्डर का जो क्या है ये मैट्रिक्स है। अब अगर आपको कोई बोले कि 3×4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, इसका मतलब आपके समझ में आ जाना चाहिए कि जो 3×4 ऑर्डर बोला गया है इसमें 3 क्या है, ये रोज के बारे में बात कर रहा है, ये किसके बारे में बात करता है, ये कॉलम्स के बारे में बात करता है, किसके बारे में करता है, कॉलम्स के बारे में बात करता है। तो इसमें जो तीन रो होंगे और इसमें क्या होंगे, चार कॉलम्स से मिला के जो मैट्रिक्स बनेगा उसको 3×4 ऑर्डर का बोला जाएगा। चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया। अब कुछ मैट्रिक्स के एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि कितने ऑर्डर का है। हमने ले लिया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -1, -3। अब इसमें देखते हैं देखो कितने, एक दो तीन, तीन रो हैं तो तीन पहले लिख दिया और कॉलन कितने, एक दो तीन, तीन कॉलन हो गए और 3×3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स बना इसी की तो हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ये तो समझ में आ गया, अब आगे और भी कुछ है इसमें, बिल्कुल है। अब इससे हमें क्या पता करना है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स उसी के सेम होता है नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे आता है, आपको क्या करना है कि नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अब ये जो मैंने करा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे आएंगे, किसी एक मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स है तो कैसे आएंगे, जितने रो हैं जितने कॉलम उनका अगर मल्टीप्लाई करते हो उससे क्या पता चलेगा, वो नंबर ऑफ एलिमेंट पता चल जाएगा। तो इस मैट्रिक्स के अंदर अगर पता करना है तो 3×3 ऑर्डर है इसका, अब उसका रो और कॉलम का मल्टीप्लाई कर दो तो 3×3 करोगे तो कितने आ जाएगा, 9 एलिमेंट बन जाएगा। कितने बन जाएगा, 9 एलिमेंट बन जाएगा। तो इसका जो एलिमेंट होगा इसके अंदर कितने होंगे, 9 हो जाएंगे। तो चलिए यहां तक तो हमने समझ लिया। अब हम किसी भी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, मैट्रिक्स को कैसे बनाते हैं, कोई एक फंक्शन दिया है कंस्ट्रक्ट करना है आपको एक मैट्रिक्स। इससे पहले भी और कुछ चीजें हम समझते हैं कि एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। अब आते हैं हमने एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स पहले समझते हैं। ठीक, जो एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स, एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स कैसे पता करेंगे, अब देखना ध्यान से, बहुत ध्यान देना कि अब अगर मैंने इसमें ये पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा, इसको हमने R1 बोला, इसको R2 बोला, इसको R3 बोला, और यहां पर पहला कॉलन लिया जिसको C1 बोले, और इसका जो कॉलन दूसरा लिया जिसको C2 बोलेंगे, एक तीसरा कॉलन लिया जिसको हमने क्या बोलेंगे, C3 बोलेंगे। अब इससे जो एक एलिमेंट, दो एलिमेंट तीन, मतलब टोटल इससे जब तीन रो और तीन कॉलम होते हैं टोटल 9 एलिमेंट बन के आते हैं। कितने आके आते हैं, इसके अंदर जो एलिमेंट होगा और सारे एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा, तो उसको हमें पता करना है, इन सारे एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा। तो यहां पर क्या होगा, यहां, और ये जो बने 9 एलिमेंट इनका एड्रेस पता करना है। तो चलिए बहुत आसानी से और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं इनका एड्रेस क्या होने वाला है।
तो देखो पहला रो और पहले कॉलम का, जो जिस रो और जिस कॉलम का होगा। अब इससे एक समझ में आया, कहीं पर ऐसे ए आई जे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, ये आई जे है, तो इससे आपको ये पता चलने वाला है जो आई जो बात करेगा, जो आई बात करेगा, ये आई जे जो लिखा हुआ यहां लिख देते हैं हमने, जो ए आई जे लिखा हुआ, जो इसमें आई होता है वो रो की बात करता है, किसका करता है, रो का, और जो इसमें ये बात करता है कॉलन का बात करता है, तो इसमें ये किस रो और किस कॉलन से आ रहा है उसके बारे में बात करता है। जैसे हमने क्या करें कि अभी हमने क्या लिखा यहां पर वन वन, तो ये पहले रो का था और पहले कॉलन का था। अगर इसका एलिमेंट का बात करें, ये रो तो अभी पहला ही चल रहा है और कॉलन कौन सा हो गया, दूसरा, तो रो को पहले लिखते हैं और कॉलन को बाद में लिखते हैं। फिर इसके बाद अगर हमने इसका बात करें तो ये पहला ही रो है और कॉलन कौन सा हो गया, तीसरा। अब इसमें आते हैं तो ये दूसरा रो हो गया, दूसरा रो हो गया और कॉलन कौन सा चल रहा है, पहला। इसमें अगर बात करें तो ये दूसरा रो और दूसरा कॉलन, अगर इसमें बात करें तो ये दूसरा रो तीसरा कॉलन हो गया। अगर इसमें बात करें ये तीसरा रो पहला कॉलन है, और इसमें अगर बात करें तो ये तीसरा रो दूसरा कॉलन है, अगर इसमें बात करें ये तीसरा रो और क्या हो जाएगा, तीसरा कॉलन आ गया। अब तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि हर एक जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट लिखा हुआ उसका एड्रेस क्या है। और एक चीज ध्यान रखना, जितने भी मैट्रिक्स लिखे जाते हैं उनको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ये ए मैट्रिक्स रहा होगा या बी बोल सकते हैं, लेकिन कैपिटल लेटर में यूज करेंगे, जो कैपिटल लेटर में ही यूज करोगे उसी को मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक। आ जाओ, अब ये तो समझ में आ गया। अब इसके आगे हम जो बात करते हैं कि अगर मैंने एक मैट्रिक्स दिया आपको, क्या दिया, मैट्रिक्स दिया, तो माइनस थ्री माइनस रूट टू वन बाई टू और थ्री जीरो फाइव, ये हमने एक मैट्रिक्स दे दिया। तो सबसे पहले बताओ कि इसके अंदर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, सबसे पहला जो आंसर आना चाहिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होगा इसका कितने रो हैं, कितने कॉलम है, एक रो दो रो और कॉलन कितने हो जाएंगे, एक कॉलन दो कॉलन तीन, तो 2 × 3 इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होगा 2 × 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आते हैं हमने कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर देखा जाए तो जितने रो और जितने कॉलन होते उसको मल्टीप्लाई करोगे उसके आ जाएंगे, मतलब इसके अंदर 6 एलिमेंट होगा। और अगर अगला क्वेश्चन पूछे मैंने कि बताइए ए टू थ्री का एड्रेस क्या होगा, मतलब दूसरे रो ये कौन सा, ये किसका बात कर रहा है, रो का, और ये किसका बात करेगा, ये कॉलन्स का बात करेगा, किसका बात करेगा, तो ये बताओ दूसरा रो और तीसरे कॉलन, दूसरा रो और तीसरा कॉलन, तो कौन सा एलिमेंट आएगा, कौन सा एलिमेंट आएगा, ये आएगा 5, क्या आएगा 5 आएगा। आगे आते हैं हमने, अगर मैं बोलूं कि ए टू थ्री की बात करो तो बात तो ही होगी अभी, लेकिन इसका दूसरा बदल देते हैं, इसमें आ जाते हैं हमने कि 2 1 2 1, तो इसमें बताइए दूसरा रो पहला कॉलन, दूसरा रो पहला कॉलन, कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, 3। ये किसका बात कर रहा है, ये रो का बात कर रहा है, और ये किसका बात कर रहा है, ये कॉलन्स का बात कर रहा है। तो चलिए ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पता चल गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल गया, और इसमें किसी भी एड्रेस पे क्या एलिमेंट आ रहा है उसको भी हमने समझ लिया, ये भी आ गया, ठीक है। अब आगे आते हैं कि थोड़े इसके बेसिक जो हमने देखे हैं कि उससे कुछ क्या क्या लिखा हुआ आगे, इसको पहले फटाफट नोट करिए और आगे देखते हैं क्या पढ़ना है। ठीक है, अब देखो आगे क्या दिया हुआ है कि जो मैट्रिक्स हमने पढ़े थे, जो जो पढ़ा उसी को हम एक बार समराइज करते हैं, क्या वो सही जो हमने पढ़ा था, कि बोले मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे, क्या बोला गया, रेक्टेंगुलर एरे, फिर बोल दिया रेक्टेंगुलर एरे, मतलब रेक्टेंगुलर का मतलब ये रेक्टेंगल की तरह दिखेगा, जरूरी नहीं रेक्टेंगल, अब वो स्क्वायर भी हो, लेकिन सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकते, लेकिन सारे स्क्वायर रेक्टेंगल बन सकते हैं, तो इसलिए मैंने बोला कि रेक्टेंगुलर एरे, एरे का मतलब होता है अरेंजमेंट, जो नंबर्स में लिखा जाएगा या वो फंक्शंस में रहेगा। तो मैंने बताया था आपको कि क्या वो जो किसमें आएगा, नंबर्स में आएगा 2 3 5 6 7 8, या ऐसे लिखा रहेगा फंक्शन में e की पावर x
साइन एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स, फिर लिख दे मैंने टेन एक्स, तो ये भी बन सकता है। ये दोनों क्या, इसी को हमने बोलते हैं मैट्रिक्स बोलते हैं। लेकिन मैट्रिक्स को जो हमने मैट्रिक्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा, वो कौन सा लेटर यूज करा जाता है? अपर केस का मतलब होता है कि ए बी सी की तरह होगा, वो कैपिटल लेटर में यूज करा जाएगा। तो चलिए ये तो हमने समझ लिया था, पढ़ भी लिया था। अब अगला जो लिखा हुआ लाइन कि मैट्रिक्स ए इज अ हॉरिजॉन्टल लाइंस, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होगा उसको हमने क्या बोलते थे, उसको क्या बोलते थे, उसको हमने रोज बोलते थे। जो वर्टिकल्स लाइन होगा, वर्टिकल्स लाइन होगा उसको हमने क्या बोलेंगे, उसको कॉलम्स बोलेंगे। ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात। ठीक है, आगे आते हैं, देखते हैं। अब इसमें दिया लिखा गया द एरे इज एनक्लोज्ड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। या तो ये देखो तीन तरीके से, मैंने ये भी बताया है कि तीन तरीके से दिखेगा, ये कि स्क्वायर ब्रैकेट में होगा, या इस तरह का होगा, या आपको डबल वर्टिकल बार से बोला जाता है, इसको पैराथीसिस बोला जाता है। तो इस तरह से होगा, पैराथीसिस में लिखा रहेगा या डबल वर्टिकल बार में लिखा रहेगा, तब भी उसको हमने क्या बोलते हैं, वो मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया था। अब एक मैट्रिक्स जो नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ कॉलम्स है, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए उसको हम क्या बोलते थे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते थे, अगर मल्टीप्लाई करे नंबर ऑफ रो का नंबर ऑफ कॉलम से, तो उससे क्या मिलता था हमें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये भी हमने पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात। ठीक है, अब आगे आते हैं, ये क्या लिखा हुआ कि अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एम इंटू एन इज डेपिकेटेड एज ए, इस तरह से अगर लिखा हुआ, ये भी मैंने बताया ये आई जे और यहां बगल में m इंटू एन लिखा हुआ है, तो ये i का मतलब है रो के बारे में बात करा जा रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, रो, और j का मतलब क्या है, कॉलम के बारे में बात कर रहे हैं, और इन दोनों से जो मिला के किस ऑर्डर का मैट्रिक्स आता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। चलिए ये भी पढ़ लिया। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ, कि बोले ऑल्सो इन जनरल, अगर हमने जनरल मैट्रिक्स को देखा जाए तो उसमें कितने, अब जनरल मैट्रिक्स एक बार बना ही लेते हैं कि जनरल मैट्रिक्स होता क्या। ठीक है, बस समझने की कोशिश करना और तो आपको आ ही जाएगा जनरल मैट्रिक्स। ठीक है, देखो एक ए मैट्रिक्स बनाया जिसमें ये ए वन वन फिर ए वन टू, ये कॉलम कॉलम बदल रहा है लेकिन रो सेम है। तो पहला रो, रो तो पहला रहेगा, तीसरा कॉलम आ गया यहां पर पहला और चौथा कॉलम, ऐसे करते करते हमने जो इसमें सेम क्या है, सेम क्या है, सेम क्या है, रो सेम है, रो सेम है, तो कॉलम बदल लाते, ऐसे करते करते एक टाइम आएगा रो तो सेम ही रहेगा लेकिन कॉलम हमने जो पहुंचने वाले हैं एन कॉलम तक पहुंचने वाले हैं, क्या करने वाले, एन कॉलम तक, और ऐसे हमने नीचे भी लिखेंगे, ध्यान सुनना, ऐसे नीचे लिखते जाएंगे तो ये टू वन फिर ऐसे ए टू टू, यहां पर ये सारे जगह करते करते यहां पर क्या मिला हमें कि जो रो सेम है लेकिन कॉलम क्या आ जाए, कौन से कॉलम पे आ जाएंगे, एन कॉलम तक चले जाएंगे। फिर ऐसे करते करते हमने कहां पहुंच गए, अब यहां एम रो हो गया और कॉलम तो पहला ही होगा, ऐसे एम रो कॉलम क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। फिर ऐसे करते करते हमने क्या करे, ये देखो एम रो का और ये एन कॉलम का, तो एम इंटू एन, यहां तक जो ये एलिमेंट पहुंचा तो एम इंटू एन ऑर्डर का। तो इससे बोला जा सकता है कि जो इसमें इसमें बोला गया कि जो ऑल्सो इन जनरल ए आई जे, ये जनरल फॉर्म में लिखा, इसका मतलब है कि जो एलिमेंट लाई कर रहा है वो किसमें कर रहा है, आईएथ रो में और जेएथ कॉलन में, इस तरह से होगा कि आईएथ रो और जेएथ कॉलन में होगा। तो इससे जो मैट्रिक्स बन के आने वाला है वो कितने ऑर्डर का बन के आएगा, एम इंटू एन ऑर्डर का बन के आएगा। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है तो क्या करना है कि जो रो है वो कॉलन है उससे मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है, ये तो हमने सीख लिया। अब आगे देखते हैं क्या पढ़ना है, बहुत बढ़िया बात। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ना है, क्या करना है, अच्छा यहां वर्ड को टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस लिखा हुआ कि एक से ज्यादा मैट्रिस के बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए हमने क्या बोला इसका टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। कॉलम मैट्रिस, रो मैट्रिस क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिस क्या होता है, डायगोनल मैट्रिस क्या होता है, और स्केलर मैट्रिस क्या होता है, यूनिट मैट्रिस क्या होता है, और जीरो मैट्रिस क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इन सारे के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एक एक मैट्रिक्स के बारे में देखते हैं कि क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें एक मैट्रिक्स का नाम नहीं डाला मैंने, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और स्टार्टिंग में डिफिनेशन बताया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो चलिए पहले वहीं से स्टार्ट करेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, फिर इसके बाद रो और कॉलम।
मैट्रिक्स पे आते हैं। ठीक है, ये देखो कॉलन मैट्रिक्स और रोज मैट्रिक्स के बारे में बात करना है, लेकिन मैं उससे पहले कौन सी मैट्रिक्स पे बात करना है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पे बात करने वाले हैं। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मान लो कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ सिंपल सा डिफिनेशन में लिखते हैं कि नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल नंबर ऑफ कॉलन। अगर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलन के बराबर नहीं है, कॉलन के बराबर नहीं है, इसका मतलब जो m बराबर n और m बराबर नहीं है, तो इसको हम कौन सी मैट्रिक्स बोलते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल के लिए ले ले कि अगर हमने 2, 3, 5, 7 -3 √7 और 0 ये मैट्रिक्स लिया, तो इसमें बताओ कितने रो हैं? एक पहला, ये दूसरा, तो ये दो रो हो जाएंगे और कॉलन कितने हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4 क्या रो और कॉलन बराबर है? रो और कॉलन बराबर नहीं है, इसलिए इसको कौन सा मैट्रिक्स बोला जाएगा? रेक्टेंगुलर। इसको बोल देंगे 2×4 ऑर्डर का है। ठीक है, और रेक्टेंगल में होता क्या था? रेक्टेंगल में जो होता है उसका लेंथ के बराबर होता है और ब्रेथ के बराबर होता है, तो ये सारे बराबर नहीं होते, इसीलिए हम इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। चलिए इसको फटाफट नोट करिए, आते हैं कॉलन मैट्रिक्स और रोज मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो कि कॉलन मैट्रिक्स क्या होता है। कॉलन वर्ड है जिसमें, कॉलन मैट्रिक्स हम उसको बोलते हैं जिसमें ओनली वन कॉलन हो। क्या हो? वन कॉलन। इसमें कॉलन तो होगा लेकिन रो कितने होंगे हमें खुद नहीं पता है। जिसमें केवल एक कॉलन हो, जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, तो हमने लिया 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते करते चले जा रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए इसमें कितने रो होने वाले हैं, कितने कॉलन होने वाले हैं, तो इसमें एक कॉलन तो एक ही होगा लेकिन रो बहुत सारे होंगे। तो इसको हमने एक जनरल फॉर्म में लिखे कि ए वन वन, ए टू वन, ए कॉलन एक ही है 3, 1 ऐसे करते करते ए एम वन तक जाएगा। तो इस तरह का अगर मैट्रिक्स दिखे, इसको हमने कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे? कॉलन मैट्रिक्स। और अगर ये रो मैट्रिक्स का बात करें, जो रो मैट्रिक्स है, तो इसमें ओनली क्या होना चाहिए? ओनली वन रो होना चाहिए, कॉलन बहुत सारे हो सकते हैं। इसके एग्जांपल के लिए ले लें एक मैट्रिक्स, तो जो मैट्रिक्स हुआ रो तो एक ही होगा, कॉलन कई सारे हो सकते हैं, तो रो कॉलन दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये ऐसे करके चौथा, और ऐसे करते करते ये एन कॉलन तक पहुंच जाएगा। अगर इसके एग्जाम्पल में और देखा जाए, तो जो मैट्रिक्स लेते हैं हमने, 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, और मैट्रिक्स के बीच में कॉमा यूज नहीं कर सकते आप, 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, ऐसे करके जो मैट्रिक्स बनेगा उसको हमने क्या बोलेंगे? ये रो मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया होगा। तो आगे वाले मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, और बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करना है। मैट्रिक्स के टाइप्स में है, अब जितने भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होते हैं उन्हीं से स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है। कब बनता है? ध्यान समझने की कोशिश करना कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अभी हमने पढ़ाया था आप लोगों को, जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है उसको हमने क्या बताए थे कि नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलन, मतलब नंबर ऑफ जो रोज होते हैं वो नहीं इक्वल होते हैं किसके? नंबर ऑफ कॉलन के। ठीक है, ये होता है
ये होता है इसको, अगर हमने देखें देखें ऐसे 3, 2, 5, 1, 3, -5, 0, 1/2, ये जो मैट्रिक्स बना है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स था। क्या था इसमें जो 2×4 ऑर्डर का था। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का बात करते हैं, जब इसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो जाते हैं, क्या बोले हमने, जो स्क्वायर मैट्रिक्स आता है, स्क्वायर मैट्रिक्स आता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, उसमें क्या होता है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का बात करें तो उसमें यह होता है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर आ जाता है। तो नंबर ऑफ रोज जो इक्वल हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यहां से m बराबर n हो गया। क्या हो गया, m बराबर n हो गया। तो ऐसे मैट्रिक्स में जहां पर रो और कॉलम मतलब दोनों बराबर हो जाते हैं उसको हम क्या, कौन सी मैट्रिक्स, इसी में जिसमें नंबर ऑफ रो, जिस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रोज और कॉलम बराबर हो जाते हैं उसको हम कौन सा नाम दे देते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अब आगे बहुत सारे टाइप पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें हमने समझ लेते हैं कि जो मैट्रिक्स होता है उसको लिखने का तरीका होता है a11, a12, a13 और a21, a22 और a23। अभी भी ये स्क्वायर नहीं बना, इसको और भी हम लिखते हैं a31, a32, a33। अगर इसमें देखा जाए तो तीन कॉलन तीन रो हैं, ये तीन रो हो गए और तीन क्या हो जाएंगे, कॉलन हो जाएंगे। इससे जो मिला के बनेगा ये 3×3 ऑर्डर का या ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स बना हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जो ऑर्डर 3 का जी स्क्वायर मैट्रिक्स है। कितने ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का। अगर 3 ऑर्डर का बोला गया तो इसमें 3 रो और 3 कॉलम होंगे, अगर 2 ऑर्डर का बोला गया तो क्या होंगे उसमें, उसमें 2 रो और 2 कॉलम। अगर 1 ऑर्डर का बोला गया तो उसमें क्या होगा, 1 रो और 1 कॉलम होगा। जैसे आपको अगर 1 ऑर्डर का लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं a11, तो इसमें कितने, ये भी एक मैट्रिक्स है लेकिन 1×1 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। पूछा जा सकता है कि ये बताओ किस टाइप का मैट्रिक्स बन रहा है, तो आप क्या बोलोगे, ये 1×1 ऑर्डर का है इसलिए हम इसको कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो चलिए इसको भी फटाफट नोट करिए। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप्स पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप्स पढ़ने वाले हैं। अब डायगनल मैट्रिक्स जो आता है, डायगनल मैट्रिक्स इसके आगे जितने भी टाइप्स के, एक नल मैट्रिक्स को छोड़ के बाकी सारे स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप्स है। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो वो मैट्रिक्स डायगनल भी नहीं हो सकता, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो वो डायगनल मैट्रिक्स भी नहीं बन सकता। अब आगे के जितने भी मैट्रिक्स है तो वहां पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये सारे टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, तो यहां स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो हम लिख देते हैं यहां aij, जो एक मैट्रिक्स बनने वाला है, जो मैट्रिक्स बनने वाला है वो कितने होगा, m×m ऑर्डर का होगा या n×n ऑर्डर का होगा, दोनों का रो और कॉलम सेम होगा। तो मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, अगर बोला जाए कि स्क्वायर मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का बात कर रहे हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगनल मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगनल मैट्रिक्स किसे बोला जाता है। ठीक है, तो चलो इसके बारे में जानते हैं। अगर देखा जाए, ध्यान समझने की कोशिश करना, कि अगर हमने एक मैट्रिक्स लिखा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको हमने a11, a12, a13 और a21, a22, a23, a31, a32, a33, ये जो बना कौन सा मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये 3×3 ऑर्डर का है। अगर जहां पर रो और कॉलम देखो, यहां पर और यहां पर और यहां पर रो और कॉलम क्या है, सेम है, तो यहां पर जो सेम है उसको हम बोलते हैं डायगनल। इस डायगनल पे अगर कोई भी डायगनल पे एक हमने फॉर्मूला बनाने वाले हैं कि जो एक मैट्रिक्स आने वाला है aij, और वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, m×m ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, वो जो बन के आएगा
जो बन के आएगा, हमने स्टार्टिंग में पढ़े जो पहले वाले होता है उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करते हैं, इसको क्या है, ये रो है और इसको क्या है, एक कॉलम्स है, ठीक है, ये रोज बताएंगे, ये कॉलम्स बताएंगे आपका कि किस रो और किस कॉलम के मैट्रिक्स का एलिमेंट है, एड्रेस उसका बताएगा, चलिए ठीक है, ये भी समझ में आया। तो अगर हमने बात करें कि जहां पर आई और जे बराबर होते हैं, ध्यान समझना क्या बात कर रहा हूं मैंने, कि जहां आई और जे बराबर होते हैं, पहला हमने बात करें आई इक्वल टू जे, दूसरा मैंने ले लिया आई नॉट इक्वल टू जे, बहुत ध्यान से बहुत सिंपल वर्ड में लिखने वाला, जहां आई और जे मतलब देखो यहां पर वन वन मतलब आई और जे बराबर है, आई जे बराबर है, यहां पर आई जे बराबर है, तो वहां पर हमेशा एनी नंबर आएगा, कोई भी नंबर लिख सकते हो, केवल सेम नंबर नहीं लिखोगे, एनी नंबर, कोई भी नंबर हो जाएगा, क्या कोई भी नंबर लिख सकते हो, हो गया। जहां पर अब बताइए सर, जहां पर ये आई और जे बराबर नहीं है, जहां पर आई और जे बराबर नहीं, वहां पर हमेशा क्या आने वाला है, जीरो आने वाला, क्या आने वाला है, जीरो आने वाला। तो इस टाइप का जो मैट्रिक्स बनने वाला उसको हम कौन सा मैट्रिक्स बोलने वाले हैं, कौन सा मैट्रिक्स बोलने वाले हैं, उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलने वाले हैं। तो अब इसका एक एग्जांपल देखें, एग्जांपल में मैंने जो मैट्रिक्स ले रहा हूं, ठीक है, देखिए ये हो गया माइनस फाइव, माइनस एटी लिख लेते हैं यहां पर, ठीक है, फिर जीरो जीरो, यहां पर बस केवल कोई नंबर आएगा, बाकी सारे जगह क्या होगा, जीरो होगा, जहां पर सर्कल लगाया वहां पर ही नंबर होगा, तो यहां पर भी जीरो होगा और यहां पर भी जीरो हो जाएगा, तो यहां पर कोई नंबर आएगा तो यहां पर मैंने लिख लिया माइनस फाइव, ठीक है, ये जीरो हो जाएगा, फिर यहां यहां क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और यहां थ्री लिख लिए। तो इस तरह का जो नंबर, इस पे जो डायगोनल पीस के जहां पर रो और कॉलम सेम होंगे, वहां पर अगर कोई भी नंबर आता है, अलग अलग नंबर आते हैं, तो उसको कौन सा मैट्रिक्स बोला जाता है, डायगोनल मैट्रिक्स बोला जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं कि अगला स्क्वायर मैट्रिक्स का कौन सा टाइप है। अभी हमने पहला टाइप पढ़े, अब दूसरा टाइप पे आते हैं, इसको फटाफट नोट करिए, आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब स्केलर मैट्रिक्स आ गया, कौन सी मैट्रिक्स पढ़ने वाले, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स होता क्या है, सेम ये भी बोला मैंने कि स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप होगा तो हम क्या लिखेंगे, इसको पहले लिख लेते हैं कि जो एक ए मैट्रिक्स है वो ए आई जे इसमें एम इंटू एम, मतलब ये जो मैट्रिक्स बन के आने वाला है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक। फिर आते हैं, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका अगर जनरल फॉर्म लिखे हमने तो किस तरह दिखेगा, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, फिर ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री। चलिए ये हो गया, अब आ गए। अगर यहां से देखा जाए कि जो मैट्रिक्स बन के आया तो उसमें हमने एक अगर फॉर्मूला बनाया, एक जो हमने कॉन्सेप्ट लिखे कि कौन से मैट्रिक्स को हमने स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं, तो जो ये आएगा ए आई जे, ये जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही बन के आने वाला है, कैसा मैट्रिक्स बन के आने वाला है, अब वो कैसा मैट्रिक्स बन के आएगा उसको देखते हैं। जहां पर, अब फिर वही बात आती है, जहां पर आई और जे सेम होंगे, कहां पर सेम होंगे, यहां देखो वन वन और टू टू थ्री थ्री इस पे सेम है, अगर ये सेम है, आई बराबर जे है, आई नॉट इक्वल टू जे है, ठीक है, आई बराबर जे है, आई नॉट इक्वल टू जे है, तो इसमें क्या होगा, यहां पर सेम नंबर होगा, जो भी नंबर लिखोगे वन को छोड़ के, सेम नंबर किसको छोड़ के, वन को छोड़ के, विदाउट वन लिख लो यहां पर, ठीक। और यहां पर क्या लिखोगे, यहां पर जो लिखोगे वो जीरो, बाकी जगह यहां पर सेम नंबर होगा वन को छोड़ के, बाकी सगा क्या हो जाएगा, जीरो। अगर इसमें हम एग्जांपल लें, यहां पर मैंने टू लिया, यहां पर जीरो जीरो और यहां जीरो, यहां भी टू आएगा, जीरो आ जाएगा, यहां जीरो जीरो, यहां पर टू। अब ये देखो, इसके जहां आई और जे सेम होते हैं वहां पर एक सेम नंबर आएगा वन को छोड़ के, बाकी सारी जगह क्या हो जाएगा, जीरो। अगर ऐसे टाइप के मैट्रिक्स आते हैं तो हमारे पास उसको कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अगला आते हैं, देखते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स पढ़ना है, तो इसको फटाफट नोट करिए, अगले टाइप के मैट्रिक्स को देखते हैं। ठीक है,
अब यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये भी आया, ये भी मैंने बोला कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप्स है। क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप्स है, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब इसमें हमने देखें तो यूनिट मैट्रिक्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो मैंने लिया एक ए मैट्रिक्स जो ए आई जे की तरह होगा और उसका ऑर्डर सेम होगा। ये कौन सा मैट्रिक्स मैंने बोला? स्क्वायर मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक हो गया। अब आगे देखते हैं कि जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हमने लिख ले A11, A12, A13, हमने 3x3 ऑर्डर का ही लेके चल रहा हूं, A22, A23 और A31, A32 और A33, ये जो हमारा क्या है, एक मैट्रिक्स है। कितने ऑर्डर का? 3x3 ऑर्डर का है, ठीक है। अब इसमें अगर कोई भी मैट्रिक्स जो है वो कैसा है, वो अगर यूनिट मैट्रिक्स है, कैसा है? यूनिट मैट्रिक्स होगा, उसका कंडीशन क्या होगा? अगर जो भी मैट्रिक्स आप लिखते हो वो एक स्क्वायर ही मैट्रिक्स बन के आने वाला है। क्या आने वाला है? स्क्वायर मैट्रिक्स, लेकिन उसका कंडीशन क्या होगा? जहां पर आई और जे बराबर होते हैं और जहां पर आई नॉट इक्वल टू जे होता है। क्या होता है? आई नॉट इक्वल टू जे होता है। तो जहां पर आई और जे बराबर होते हैं वहां पर कोई सेम नंबर होता है नहीं? सेम नंबर तो होगा लेकिन वन ही होगा, यहाँ पर केवल वन आएगा। क्या आएगा? जहां आई और जे बराबर होते हैं वहां वन आता है और बाकी जगह क्या आ जाता है? जीरो आ जाता है। क्या आ जाता है? वहां पर जीरो आ जाता है जहां पर आई जो। अगर इससे हमने एक एग्जाम्पल लें, क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर एग्जाम्पल ले लें, जो मैट्रिक्स आने वाला है वो क्या आएगा? 1 0 0 फिर 0 1 0 फिर 0 0 1। ये जो बना मैट्रिक्स वो 3x3 ऑर्डर का है। कितने ऑर्डर का है? 3x3 ऑर्डर का है। अगर ये 3x3 ऑर्डर का है तो इसको लिखने का तरीका भी होता है, जो इसको B3 लिखा जाए, अगर यहाँ A लिखा होता है तो इसी को A3 लिखते हैं, अगर कहीं पर A2 लिखा होता, इसका मतलब 2x2 ऑर्डर का कौन सी मैट्रिक्स बनाया जा रहा है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाया जा रहा है। कौन सा मैट्रिक्स बनाया जा रहा है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाया जा रहा है। अगर A3 लिखा है तो उसका मतलब 3x3 ऑर्डर का कौन सी मैट्रिक्स का बात करा जा रहा है? वो मैट्रिक्स जो आपका है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स का अभी टाइप है, ठीक है। आगे भी रेक्टेंगुलर और अपर रेक्टेंगुलर होता है और लोअर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होते हैं, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अगला कौन सा टाइप है। अच्छा, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप में नहीं आता, लेकिन इसको कौन सा मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो हो उसको हमने नल मैट्रिक्स बोलते हैं या जीरो मैट्रिक्स। वो चाहे कितने ऑर्डर का बनाना चाहो आप बना सकते हो। अगर मैंने यहां पर 0 0 0 0 ये 2x2 ऑर्डर का कौन सी मैट्रिक्स है? नल मैट्रिक्स। या इसी मैट्रिक्स को हमने ऐसे ओ से बड़े ओ की तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको भी हमने कौन से मैट्रिक्स में लेते हैं? नल मैट्रिक्स में। तो चलिए आगे वाले मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मैंने रेक्टेंगुलर बोल दिया, गलत वर्ड है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या है इसको भी बहुत ध्यान सुनना। ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप्स है। क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का है तो ये आई जे जो ऑर्डर होगा उन दोनों का क्या होगा? सेम ही होगा। ऑर्डर होगा तो सेम होगा, बहुत बढ़िया बात। अगर ऑर्डर सेम होगा तो यहां से ये जो मैट्रिक्स बन के आने वाला है वो कौन सा मैट्रिक्स बनेगा? ये स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। कौन सा मैट्रिक्स बन जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है वो इस तरह से लिखा जाता है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं कि हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का क्या कंडीशन बना सकते हैं। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही बन के आने वाला है, ये आने वाला है, तो जो m×n ऑर्डर का होगा। अब समझना, इसमें एक लोअर में जो इसके निचले पार्ट में क्या बनेगा, एक ट्रायंगल की तरह शेप बनेगा। क्या बनेगा? एक ट्रायंगल की तरह शेप बनेगा।
ठीक है। अब देखो इसके नीचे वाले में क्या है, इसके नीचे में एक ट्रायंगल की तरह बनेगा और बाकी ऊपर वाला क्या होगा, जीरो होगा। तो नीचे जो बनेगा तो ये यहां से ऐसे करके ऐसे बनने वाला है, एक ट्रायंगल की तरह बनने वाला है। क्या बनने वाला है, एक ट्रायंगल की तरह बनने वाला है। तो अब इसमें एक चीज नोटिस करना, अभी यहां आई और जे दोनों बराबर है, 1 1 2 2 3 3 में, बिल्कुल सही आपने समझा। अगर यहां देखा जाए तो आई बड़ा है जे से और आई बड़ा है जे से। अब ये लिखना है कि जहां पर आई बड़ा हो किससे, जे से और बराबर हो, वहां पर कोई नंबर होगा, कोई नंबर होगा, एनी नंबर, ठीक है। और जहां पर आई छोटा हो गया किससे, जे से, किससे, जे से, वहां पर क्या आ जाएगा, जीरो। क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। बाकी आपने समझ ही गया। अब इससे जो मैट्रिक्स बनाने वाले हैं, तो यहां पर मैंने ले लिया 2 3 5, बाकी यहां जीरो आ जाएगा, 5 -1, फिर 0 0 3। ये जो मैट्रिक्स बना, देखो यहां से एक लोअर ट्रायंगुलर बना, ये लोअर में एक ट्रायंगल की तरह बना, तो इसको हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब आते हैं अगला टाइप, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बिल्कुल सेम होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, बस देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप्स है। क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप्स है। बस यहां कंडीशन क्या चेंज हो जाता है, कंडीशन ये चेंज होता है कि जो ट्रायंगल बनेगा अब वो ऊपर के साइड बनेगा, कहां बनेगा, ऊपर के साइड बनेगा, ये ऊपर में ट्रायंगल बनेगा, ऐसे करके ऐसे बनेगा। तो यहां देखो आई तो बराबर सब जगह मिल रहा है, लेकिन अब आई छोटा हो गया जे से। क्या हो गया, आई छोटा हो गया, देखो आई की वैल्यू जे से छोटा है। तो यहां पर आप क्या लिखना है, बस यहां कंडीशन बदल देना है, यहां हमने कंडीशन बदल देते हैं, क्या हो जाएगा, आई आई लेस देन इक्वल टू जे, यहां पर आई ग्रेटर देन जे, जहां हो जाएगा ये बन जाएगा बस। तो ये क्या बना, कि जहां पर ऐसा होगा तो कोई नंबर होगा, और जहां पर ऐसा नहीं होगा वहां पर क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इस मैट्रिक्स का एग्जांपल अगर देखा जाए तो क्या आएगा, इस मैट्रिक्स का जो अगर एग्जांपल देखा जाए तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 3 2 5 6 7 1, सॉरी यहां पर जीरो होगा, यहां पर क्या होगा, जीरो जीरो हो जाएगा, यहां पर जीरो जीरो जीरो, जीरो की जगह यहां पर लिख देते हैं हमने कोई एक नंबर 1, ठीक है। ये देखो ऊपर की तरफ एक ट्रायंगल बन गया, जिसे बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको फटाफट नोट कर लीजिए और आगे वाले टॉपिक को हम देखते हैं, आगे वाले टॉपिक में क्या करना है। ठीक है, देखते हैं आगे टॉपिक में क्या सॉल्व करने हैं। अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में समझते हैं। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है उसके बारे में समझते हैं, और फिर इसके बाद चलिए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में समझते हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक, देखो कि अगर कहीं पर भी दो मैट्रिक्स इक्वल है, ध्यान समझना कि उसमें क्या कंडीशन होना चाहिए, ये 1 2, ये 2, ऐसे मैंने एक लिख लेता हूं, रुक जाओ, a11 a12 a21 a22, ठीक है। एक इसको a मैट्रिक्स लिया और आगे b मैट्रिक्स ले लिया मैंने, b मैट्रिक्स जो है वो है b11, B11, B12 और B21 और B22, ये B मैट्रिक्स है। ये कितने ऑर्डर का है, 2 × 2 ऑर्डर का। ये भी कितने ऑर्डर का है, 2 × 2 ऑर्डर का है। अगर दो मैट्रिक्स, मैंने बोला A और B बराबर हैं, मतलब A और B इक्वल मैट्रिक्स है। कैसे मैट्रिक्स है, ये इक्वल मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स होने का कंडीशन क्या हो सकता है,
तो सबसे पहले वो दोनों दोनों सेम ऑर्डर में, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स ये होना चाहिए। सबसे पहले अगर दो मैट्रिक्स कहीं पर इक्वल तभी हो सकते हैं कि जब ए मैट्रिक्स का ऑर्डर बी मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर हो जाए। तो ऑर्डर अगर ये बराबर हैं और इनको इक्वल है, तब हम क्या कर सकते हैं कि जो उसके एलिमेंट को, जो एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। बराबर में क्या लिखेंगे, देखो अब यहां से ये बराबर हो जाएगा, ए वन वन जो बराबर होके आएगा वो किसके बराबर आएगा, ए बी वन वन के। तो एक ये ऐसे ऐसे सारे एलिमेंट बराबर हो जाएंगे, तो ए ए वन टू जो वन टू है वो बराबर हो जाएगा बी वन टू के, बी वन टू के बराबर हो जाएगा। फिर ऐसे क्या हो जाएगा, ए टू वन बराबर हो जाएगा बी टू वन के, किसके बराबर हो जाएगा, बी टू वन के बराबर हो जाएगा, बी टू वन के बराबर हो जाएगा। और आगे क्या बोल सकते हैं कि जो ए टू टू बराबर हो जाएगा बी टू टू के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, बी टू टू के बराबर हो जाएगा। तो यहां से एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो भी दो मैट्रिक्स बराबर होंगे, अगर मैंने बोला कि ए और बी बराबर हैं, क्या है ए और बी बराबर हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी ये मैट्रिक्स है, तो यहां से जो ए आई जे, ए आई जे तो इसका बराबर हो जाएगा अगले बी आई जे के बराबर हो जाएगा। और ये दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, अगर m इंटू एन ऑर्डर का है तो ये भी कितने ऑर्डर का होना चाहिए, m इंटू एन ऑर्डर का होना चाहिए। तो मेन फॉर्मूला आपका ये बनेगा, क्या बनेगा, ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं कि x x एक a मैट्रिक्स लिया एक्स वाई पी क्यू एक मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स है जिसमें हमने बोले 3 2 0 1। अगर मैं बोलूं ए बी दोनों इक्वल हैं, तो पहला चेक करो ए बी इक्वल मैट्रिक्स है और तो इनका एक्स वाई जेड की वैल्यू बताइए, एक्स वाई पी क्यू का वैल्यू बताइए। तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 3 के, वाई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 2 के, पी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 0 और क्यू की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 1। तो ये इक्वल मैट्रिक्स से ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, हम देखते हैं आगे आपके इस एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद आज का यही करेंगे, अगला एक्सरसाइज फिर आगे लेके आएंगे। तो बने रहिए आप साथ में और बहुत ही मजा आएगा देखने में और पढ़ने में भी। ठीक है, अब एनसीईआरटी का एग्जाम्पल आ गया, एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ, तो सिंपल सिंपल से आ गए, जितने अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े देखते हैं आप कितने कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, तो पहले आप खुद वीडियो को रोकिए और वहां पर सॉल्व करिए खुद और पता करिए कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, फिर इसके बाद सॉल्यूशन देखिए। तो इसमें बोला हुआ कि कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन्स वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज फॉर सेकेंड और थर्ड। ठीक है, अब यहां पर एक पहली फैक्ट्री में कितने मैन है कितने वुमेन्स है और दूसरे फैक्ट्री में कितने मैन और वुमेन्स है और तीसरे फैक्ट्री में कितने मैन और वुमेन्स है। अब इनसे एक क्या करना है, ये जो हमारा दिया हुआ डेटा ऊपर इंफॉर्मेशन दिया हुआ उसे 3 × 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाना है। मैंने इसको मान लिया कि जो ए मैट्रिक्स है वो 3 × 2 ऑर्डर का है, तो पहले इसको 30 लिख दिया, फिर ये 25 ये लिखा ही गया है, 27 25 31 26 ये बन गया कितने ऑर्डर का। देखो उसमें 3 रो हैं और 2 कॉलन हैं, ये 3 रो 1 2 3 और 2 कॉलन हो गया, 3 × 2 ऑर्डर का बन गया। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया कि बोलने कि थर्ड रो और सेकंड कॉलन किसको, थर्ड रो मतलब हमें बोला गया तीसरा रो और दूसरा का जो एड्रेस है उस पर कौन सी डेटा के बारे में बात करा जा रहा है। तो इस एड्रेस पे देखा जाए A32 पे तो कौन सा है, 26 है, और 26 है क्या, वो क्या बात करा जा रहा है, 26 वो जो है थर्ड फैक्ट्री के वुमेन्स वर्कर के बारे में बात करा जा रहा है। इसके बारे में बात करा जा रहा है जो थर्ड फैक्ट्री है, थर्ड उसमें वुमेन्स
वर्कर्स के बारे में बात करा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एनसीईआरटी का पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल आते हैं, ठीक, सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल पढ़ो एक बार, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसानी समझ में आएगा। लिखा हुआ, इफ मैट्रिक्स हैज एट एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। अगर एक मैट्रिक्स है उसमें आठ एलिमेंट है, मतलब एट एलिमेंट है, एट एलिमेंट का एक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसके कितने पॉसिबल मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं, कितने पॉसिबल। देखो ध्यान से, अगर आप टू इंटू क्या करोगे, फोर करोगे, तो एक मैट्रिक्स बन जाएगा जिसमें दो रो और तीन, सॉरी चार कॉलम होंगे, तो ये बन जाएगा। एक फोर इंटू टू करोगे तब भी बन जाएगा, बहुत अच्छी बात है। और दूसरा क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, एट इंटू वन और वन इंटू एट, और भी कोई पॉसिबल चीज है। तो ये चार मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं जिनसे, जिसमें आठ एलिमेंट आएंगे। कितने एलिमेंट आएंगे, एट एलिमेंट आएंगे, ठीक है। ये चार मैट्रिक्स अलग अलग, पहला हो गया, फिर दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया, फिर क्या हो गया, चौथा हो गया। चलिए अगले की तरफ चलते। ऐसे आपको क्या करना है, उसको फैक्टराइज करना, फैक्टराइज करके जिसका मल्टीप्लाई करने के बाद हमेशा एट आए, वो कितने नंबर पॉसिबल है। तो इसका मतलब इधर वाला होगा तो ये पूरा का पूरा किसके बारे में बात कर रहा है, ये कितने रोज होंगे, और इधर वाला जो बात करेगा वो कितने कॉलम्स होंगे, ये बात कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट, ठीक, आगे दिया हुआ, कंस्ट्रक्ट अ थ्री इंटू टू ऑर्डर। ये देखो, मैं आपको इसे पीछे नहीं पढ़ाया इसीलिए यहां पर बताने वाला हूं कि कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं किसी मैट्रिक्स को। तो सबसे पहले देखो कि थ्री इंटू टू ऑर्डर हमें क्या करना है, एक मैट्रिक्स बनाना है, ये आई जे जो कितने ऑर्डर का है, वो थ्री और थ्री इंटू टू ऑर्डर का है, कितने ऑर्डर का है, थ्री इंटू टू ऑर्डर का। बहुत अच्छा समझ में आ गया, मतलब इसमें जो होने वाला है वो कितने रो आने वाले हैं, तीन रो आने वाले हैं, और कितने कॉलन होने वाले हैं, दो कॉलन होने वाले हैं, जिसको हमने आर वन बोल देंगे, इसको आर टू बोल देंगे, इसको आर थ्री बोल देंगे, इसको सी वन बोलेंगे, इसको सी टू बोलेंगे। तो यहाँ पर एक एलिमेंट आएगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ऐसे एलिमेंट बनने वाले हैं। तो अब ये एलिमेंट क्या होंगे, यहाँ पर जो होगा ए वन वन होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए वन टू हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू वन, और यहाँ पर टू टू, यहाँ पर थ्री वन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, थ्री टू आ जाएगा। तो ये एलिमेंट आ गए, ठीक है, बहुत अच्छी बात, ये एलिमेंट आ गए। तो हमें एक एक एलिमेंट को निकालना है। अब हमारा पहले से एक इक्वेशन दिया है, ए आई जे बराबर किसके है, ये होता है मॉडुलस माइनस थ्री जे, आई माइनस थ्री जे। अब इसके अंदर जो भी नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो हमेशा वो पॉजिटिव ही मिलने वाला है। सबसे पहले हमने यहाँ आई और जे की जगह वन वन पुट करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन माइनस थ्री मल्टीप्लाई वन हो जाएगा, तो आएगा आई, इसके अंदर माइनस टू, ये हमेशा पॉजिटिव में हो जाएगा। फिर ऐसे करते हैं, ए वन टू, ए वन टू, यहाँ वन, यहाँ थ्री मल्टीप्लाई टू हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, वन माइनस सिक्स, इसके अंदर आएगा वो माइनस फाइव, और वो भी प्लस में होके आ जाएगा, फाइव आ जाएगा। फिर ऐसे ए टू वन, टू वन करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा टू माइनस थ्री मल्टीप्लाई वन, तो टू माइनस थ्री, ये आएगा माइनस वन, ये माइनस वन, इससे क्या हो जाएगा सॉल्व होके, ये आ जाएगा वन। फिर ऐसे करने वाले ए टू टू, ए टू टू करने वाले, तो यहां पर टू माइनस थ्री और जे की जगह भी टू आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टू माइनस सिक्स, जिसको हम लिखेंगे माइनस फोर, और ये आएगा किसके बराबर, फोर के बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, फोर के बराबर आएगा। ऐसे हम निकालने वाले ए थ्री वन का, आई की वैल्यू थ्री, और थ्री मल्टीप्लाई वन हो जाएगा, इससे आएगा थ्री माइनस थ्री, यह आ जाएगा जीरो, इसके बराबर आ जाएगा जीरो। ऐसे थ्री टू निकालेंगे, तो ये थ्री माइनस थ्री मल्टीप्लाई टू, ये हो जाएगा थ्री माइनस सिक्स, ये आ गया किसके, माइनस थ्री, ये बराबर हो जाएगा थ्री के। तो जो यहाँ से एक मैट्रिक्स बना, वो थ्री इंटू टू ऑर्डर का जो मैट्रिक्स बन के आया, वो कौन सी मैट्रिक्स बन के आया, जो एक मैट्रिक्स बन के आया, वो जो मैट्रिक्स बना है, इसके जगह एलिमेंट रखो ये टू हो जाएगा, और इसके जहां पर एलिमेंट ये, यहां पर फाइव, और यहां पर क्या आ जाएगा, वन फोर जीरो थ्री। देखो मैंने सारे एलिमेंट के एक इस
इसके एड्रेस पे पुट कर दिया, तो उससे जो एक मैट्रिक्स बन के आया वो कितने ऑर्डर का बन के आया, वो 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन के आया। कितने ऑर्डर का बन के आया, 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन के आया। तो यही मैट्रिक्स हमसे पूछा गया था, तो आपको आई होप बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, यहां पर दिया हुआ है इफ एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स ए है, ये दोनों क्या है, ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है। कैसे पता चला इक्वल है, क्योंकि इसके बीच में किसका साइन यूज करा गया है, इक्वल का करा गया। तो अगर इक्वल मैट्रिक्स है तो इसका पहला एलिमेंट पहले के बराबर होगा, दूसरा वाला दूसरे के बराबर होगा, तीसरा वाला तीसरे के बराबर होगा, ऐसे चौथा वाला चौथा, जितने एलिमेंट इसके अंदर है उतने एक हर एक एड्रेस का सेम एड्रेस के साथ वो बराबर होगा। चलिए यहां से इसको मैं सॉल्व करके किसकी वैल्यू फाइंड करना, ए बी सी एक्स वाई सबकी वैल्यू फाइंड करना है जितने भी पूछा गया। तो सबसे पहले हमने x+3 ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आपका जीरो के बराबर हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो उधर आएगा -3, तो एक वैल्यू फाइंड हो गया, बहुत अच्छी बात। दूसरी वैल्यू पे आते हैं, हमने z+4 किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। तो z ये 6-4 आ जाएगा, तो z की वैल्यू कितना आ गया, वो 2 आ गया। तो एक वैल्यू और मिल गया आपको, z की वैल्यू भी मिल गया। फिर आगे आते हैं हमने, इसको बराबर करते हैं कि 2y-7=3y-2। अगर इसको बराबर करेंगे, इसको बराबर करेंगे तो वेरिएबल की एक साइड लाइए 2y-3y और 7 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो यहां से आ गया -y और इधर आ जाएगा कितना 5, तो माइनस को इधर भेज दीजिए, ये -5, ये किसका वैल्यू आ गया, y की वैल्यू। तो x मिल गया, y मिल गया और z मिल गया। अब a b c बचे रह गए, तो हम इस एलिमेंट को देखो ध्यान से, इस वाले एलिमेंट को बराबर करते हैं -3 के, किसके बराबर करते हैं -3 के। तो यहां से a -1 जो बराबर आ जाएगा वो किसके -3 के बराबर आएगा, तो माइनस को उधर ले जाओ तो इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितना हो गया, वो आ गया -2, a की वैल्यू आ गया -2। और देखो b किस में, इस वाले को बराबर हम इसके करेंगे, इसके बराबर कर देंगे तो आ जाएगा b-3 इक्वल किसके हो जाएगा 2b+4। तो b को इधर लाइए तो इधर आएगा तो -2b, और उसको उधर ले जाएंगे तो +3 आ जाएगा, तो ये आएगा -b, इधर आ गया 7, कितना आ गया 7 आ गया। तो माइनस को उधर भेज दीजिए तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा -7। तो ये बना b की वैल्यू, आगे बचा रह गया c की वैल्यू। तो इन दोनों को, अब c की निकालने के लिए इनको बराबर करते हैं हमने, जब इनको बराबर करेंगे, इनको बराबर करेंगे तो 0=2c+2। अब 2 को उधर लाइए तो हम ऐसे भी लिख सकते 2c-2 आ जाएगा, और c की वैल्यू निकालना है तो -2 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा -1c=2 कितना आ गया -1। तो a b c और x y z इन सारी वैल्यू को कितने आसानी से हमने फाइंड करा। ऐसी इक्वल मैट्रिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है, अभी हमने एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको फटाफट नोट करिए, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपका, इसमें बोला हुआ कि फाइंड द वैल्यू ए बी सी एंड डी, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो देखते हैं कि सबसे पहला एलिमेंट ए बी इक्वल मैट्रिक्स है, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो यहां से आ जाएगा 2a+b=4 हो गया। ठीक है, और इसके बाद हमने ले लेते हैं कि दूसरा, इसको बराबर करते हैं कि जो a-2b=2 कितना है -3 के, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकंड इक्वेशन आ गया। फिर और भी आगे देखते हैं, ठीक, अब जो दिया गया है ये वाला जो 5c-d=11 आ जाएगा, और 4c+3d=24 हो गया, ये थर्ड इक्वेशन हो गया, ये हो गया आपका फोर्थ इक्वेशन हो गया। ठीक, अब इनको सॉल्व करना है, इनको सॉल्व करने के लिए हमें कोई ना कोई मेथड यूज करना है, तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 2 का यूज करते हैं, यहां से a की वैल्यू फाइंड करते हैं, -3+2b आ गया, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, एक जगह कहां पर पुट करते हैं, एक जगह पर पुट कर देते हैं, तो -3+2b पहले वाले इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, +b=4 आ गया।
ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करिए तो 4b प्लस बी इक्वल टू 4, तो यहां से माइनस को उधर ले जाओ, इधर आ गया 5b और उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में जाके उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितना आ गया 10 डिवाइड बाई 5, ये आ जाएगा 2 आ गया, कितना आ गया 2 आ गया। ऐसे a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हमने, अब इसमें पुट कर दें तो a की वैल्यू निकल जाएगा, किसकी वैल्यू निकल जाएगा, a की वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अब a की वैल्यू निकालना है तो यहां पर पुट करते हैं -3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो -2 प्लस -3 प्लस 4 हो गया, इसका आंसर कितना आएगा, a की वैल्यू 1 आ गया। तो दो वैल्यू मिल गए आपको। अब c और d की वैल्यू हमने देखते हैं, c और d की वैल्यू निकालने के लिए ठीक है इसको सॉल्व करना है तो हम यहां से d की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसकी वैल्यू निकालते हैं, जो d की वैल्यू इक्वेशन थर्ड का अगर यूज करें और यहां से d की वैल्यू निकालें तो d को उधर ले जाओ, 11 को इधर लाओ तो आ जाएगा d की वैल्यू कितना आ जाएगा, d को उधर ले गया तो प्लस में हो गया, इसको इधर लाओगे तो 5c माइनस 11 आ जाएगा, ठीक है ये आ गया। अब इसकी वैल्यू हमने पुट कर देते हैं फोर्थ इक्वेशन में, फोर्थ में पुट करो d की वैल्यू, यहां ये 4c प्लस 3 यहां आ जाएगा 5c माइनस 11 इक्वल 24, 4c प्लस इसका मल्टीप्लाई करो 15c प्लस 33, यहां देखो माइनस है माइनस, और ये आ जाएगा 24, ये हो जाएगा आपका 19c और उसको उधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, वो जाएगा प्लस में जाएगा 24 प्लस 33 हो जाएगा, तो इसको करेंगे हमने कितना आ जाएगा ये 7 और 57 c इक्वल टू ये 19 आ गया, 19 3 जा 1 जा और 3 हो जाएगा ये, ठीक है ये आ गया c की वैल्यू जो आया वो कितना आया c इक्वल टू 3 आ गया। अब c की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, यहां पर पुट करते हैं d इक्वल टू 15 3 माइनस 11 यहां आ जाएगा 15 माइनस 11 तो कितना आ जाएगा ये 4 आ जाएगा, तो d की वैल्यू मिल गया और c की वैल्यू मिल गया। तो ये आज हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या पढ़ा उसके एक बार समराइज करते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, एक एक एरे रेक्टेंगुलर एरे होता है जो नंबर ऑफ फंक्शन में रिप्रेजेंट होता है, ये मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वर्टिकल लाइन होता है उसको हमने क्या बोलते हैं, उसको रो और कॉलम बोलते हैं। अब रो और कॉलम से मिला के एक जो मैट्रिक्स के यहां बगल में लिखा था उसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोला जाता है, और अगर रो और कॉलम का मल्टीप्लाई भी करते हो तो उससे क्या मिलता है आपका, क्या मिलता है उससे आपको एक नंबर ऑफ एलिमेंट भी मिलता है। फिर इसके बाद एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा कि किसका क्या एड्रेस होता है, फिर उसके आगे हमने क्या पढ़े कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़े, तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप इसके बारे में पढ़े, और इसके बाद एनसीईआरटी का एग्जाम्पल करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी का एक्सरसाइज करेंगे। Thank you.